हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर का आइकन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। मैं रिकी ग्रैंड मास्टर, आयुर्वेदिक योग साधना मेडिटेशन वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप लोगों को सुख शांति समृद्धि मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है सतनाम साधना। सतनाम साधना जो हर एक व्यक्ति का दुख, पारिवारिक कलह, पति पत्नी के झगड़े, मन की शांति प्रदान करने का अद्भुत साधन है। सतनाम साधना के लिए आपको एक कमरे की आवश्यकता है जो किसी भी प्रकार का शोरगुल आवाज ना पहुंचता हो। वहां पर एक चटाई बिछाइए। चटाई बिछाने के बाद आपको एक ज्योति जलाना है जो सतनाम के नाम से होगा। उस ज्योति को जलाने के साथ ही आपको पालथी मोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठना है। ध्यान मुद्रा में बैठते हुए आपको सतनाम सतपुरुष की जाप करना है। इसके लिए आपको दोनों हाथ को घुटने के पास से ले जाइए। ले जाते हुए आपको वहां पर रखना है। उसके बाद से ही आपको अनुभव करना है कि सतनाम की वाइट एनर्जी आपके शरीर पर प्रवेश कर रहा है। वाइट एनर्जी प्राणिक हीलिंग के द्वारा आपके शरीर पर सहस्त्र चक्र में प्रवेश कर रहा है। सहस्त्र चक्र से होते हुए वो अद्भुत एनर्जी, अद्भुत लाइट, अद्भुत प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। अनुभव करिए, अनुभव करिए। जितना ज्यादा अनुभव करेंगे, जितना ज्यादा आपका विश्वास रहेगा, उतना ज्यादा शक्तिशाली रूप से सतनाम साधना सफल होगा और शक्तिशाली रूप से काम करेगा। अनुभव करिए, वो वाइट एनर्जी आपके वे सिद्धि चक्र में प्रवेश कर रहा है जो गले के पास है। उस सिद्धि चक्र से होते हुए अनाहत चक्र में प्रवेश कर रहा है। अनाहत चक्र हृदय के पास होता है। वो चक्र से प्रवेश करते हुए आपके मणिपुर चक्र जो पेट के पास स्थित है उस चक्र में प्रवेश कर रहा है। अनुभव करिए। हाथ पैर को ढीला छोड़िए, मन को शांत रखिए। किसी भी प्रकार का उसमें विचार नहीं आना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। सुदृष्टान चक्र से होते हुए मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा है। उस अद्भुत एनर्जी को महसूस करिए। ऐसा आपको अभ्यास प्रतिदिन सुबह या शाम को करना है। ये अभ्यास थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ये सफल कर पाओगे। मन को एकाग्रचित करना बहुत बड़ी तपस्या के समान है। एकाग्रचित होना किसी संत के लिए मेहनत का काम है, उसी तरह आप लोगों के लिए भी ये एक प्रकार का मेहनत अभ्यास है। सतनाम के प्रति जितना आपका विश्वास होगा, उतना ही आप रोगों से, दुखों से, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या से निजात मिलेगा। सतनाम के उच्चारण करते हुए आपको 10 से आधा घंटा तक, 10 मिनट से आधा घंटा तक आपको ऐसा अभ्यास करना है। उसके लिए टाइम निश्चित कर लीजिए। सुबह या शाम को नहा धोकर बिल्कुल हल्के कपड़े में सतनाम साधना करना है। सतनाम साधना के लिए आपको एक गुरु की शुरुआत में आवश्यकता होगी। तो आप लोग एक गुरु का चयन कर लीजिए जो आपको सुख समृद्धि प्रदान कर सके।
और आपकी सारे दुखों को हरने में सहयोग करे। सतनाम, सतपुरुष ब्रह्मांड के रचयिता है, जो जन जन में स्थिर है। ये तो परमात्मा परमेश्वर ने हमारे शरीर पर सातों चक्रों के द्वारा अद्भुत एनर्जी के साथ भेजा गया है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये चक्र सुस्त अवस्था में होता है, जिसके कारण से हमें अनेक समस्याओं, अनेक दुखों, अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस सद्नाम साधना से अगर अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में किया जाए तो आपके सातों चक्र जागृत रहेंगे, जिससे आप निरोगी चंगा रह सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही।